क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ठीक है, 10.5 क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, देखते जाना अपने पास इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। क्वेश्चन में देखो आपसे क्या बोल रखा है अपने पास, ये ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि देखो इसके चारों पॉइंट्स कहाँ हैं, इसके सर्कमफेरेंस पर हैं। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन हूज डायगोनल्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका है, इनके डायगोनल्स क्या है, ई पर देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल डी बी सी, ये जो आपका डी बी सी है ये आपको 70 का दिया हुआ है, और जो बी ए सी ए 30 का दिया हुआ है, ठीक है, ओके बेटा, हाँ गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग आयुष। फर्दर इफ ए बी इक्वल टू आपको बी सी दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, तो इसमें आपको ए सी डी और निकालना है, मतलब आपको दो एंगल निकालने हैं, एक तो निकालना है बी सी डी, दूसरा निकालना है आपको ए सी डी, ये आपको दो एंगल्स निकालने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं आपको गिवन क्या दिया हुआ है। देखो आपको यहाँ पर एक तो दो एंगल्स दिए हैं बेटा, एक तो आपको दिया है इसमें डी बी सी, डी बी सी आपको 70 दिया हुआ है, दूसरा हमें यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, जो अपना एंगल बी ए सी है ये हमें यहाँ पर 30 दिया हुआ है, और तीसरा हमें यहाँ पर ये ए बी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है। हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी सी भी दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू बी सी, ये आपको यहाँ पर तीन चीज दी हुई है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, हमें यहाँ पर दो एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है, टू फाइंड हमें यहाँ पर दो एंगल्स फाइंड करने हैं। कौन कौन से एंगल्स, एक तो हमें फाइंड करना है एंगल बी सी डी, दूसरा हमें फाइंड करना है एंगल ई सी डी, हमें यहाँ पर दो एंगल्स फाइंड करने हैं। देखो इसका स्टार्ट कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन देखना बहुत इजी है, जहां नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ध्यान से मेरी बात समझना भाई, हम ये पढ़ चुके हैं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। तो यहाँ देखो मुझे दो एंगल मिल रहे हैं, एक तो मुझे मिल रहा है एंगल बी डी सी, ये आपका एंगल बी डी सी, और दूसरा मेरे पास एंगल बी ए सी, ये बी ए सी, दोनों सेम सेगमेंट में, दोनों आपके सेम सेगमेंट में है। एंगल बी, यदि आप ये बी सी कॉर्ड मान लो, तो इस बी सी कॉर्ड के लिए ये आपका एक सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है, तो इसमें आपके ये एंगल्स होंगे बी डी सी बी ए सी इक्वल। तो अपन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे अपन, अपन लिख देंगे एंगल बी डी सी किसके इक्वल होगा, ये आपका बी ए सी के इक्वल होगा, लिख दोगे ब्रैकेट में एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, दोनों तो आपके किस में, ये आपके सेम सेगमेंट लिख दोगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ अपने पास आपको देखो, यहाँ पर आपको बी ए सी 30 दिया हुआ है, तो यहां से हमारे पास जो एंगल बी डी सी है, बी डी सी ये आपका 30 का आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका बी डी सी 30 का आ गया, ठीक है ना। अब देखो बी डी सी आपका 30 का आ गया, बी डी सी आपका 30 का आ गया, 30 का आ गया बेटा, ये तो आपका आ चुका है, ठीक है। इसमें आपको जो डी बी सी है ये आपको 70 दिया है, तो आपको निकालना कौन सा है, बी सी डी निकालना है ना, तो मैं ये बी सी डी में अप्लाई करता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी, तो आपका निकल के आ जाएगा बी सी डी। तो अपन क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल बी डी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या कर रहे हैं अपन, अपन बी डी सी में अप्लाई कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से अपने पास अपन क्या लिख देंगे, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी, जो आपको निकालना है एंगल सम से, सम इनका 180 हो जाएगा। एंगल बी डी सी देखो आप ये इसको फर्स्ट बोल दो, 30 लिख दें अपन, बी डी सी आपका फर्स्ट से आ गया, डी बी सी देखो आपको 70 दिया हुआ है, तो 70 पुट कर दिया, प्लस ये आपको निकालना ही है बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिख दोगे आप फ्रॉम फर्स्ट, और एक तो आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया बेटा। आगे देख ले, ये आपका 100 हो गया, तो शिफ्ट कर दोगे आरएचएस साइड में, तो अपने पास एंगल बीसीडी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 180, लिख देंगे इसको अपन 180 डिग्री, ठीक है, और ये प्लस का कितना 100, तो यहां से हमारे पास एंगल बीसीडी कितने का आ गया, ये आपका 80 का आ गया, बीसीडी आपका 80 का आ गया। इतना समझ में आया क्या, आपने ये एक पार्ट निकाल दिया, आपने बीसीडी निकाल दिया, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब आप इसका यूज करोगे, आपको ए बी इक्वल टू बी सी दिया है, देखो आपको ए बी इक्वल टू बी सी दिया है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी आपका, जब ए बी इक्वल टू बी सी, तो हम जानते हैं कि अपने पास क्या होता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आल्सो इक्वल, जब ए बी इक्वल टू बी सी है तो कौन सा एंगल, एंगल ए सी बी आपका बी ए सी के इक्वल होगा, तो 30, तो ये भी आपका 30 हो जाएगा। अपन देखो ये स्टार्ट कर रहे हैं, नाउ गिवन दैट ए बी इक्वल टू ए सी, नाउ गिवन दैट, क्या गिवन दिया आपको, देखो गिवन दिया हुआ है ए बी इक्वल टू बी सी, नाउ गिवन दैट ए बी इक्वल टू बी सी, देयरफॉर आप क्या लिख दोगे, जब ए बी इक्वल टू बी सी है तो क्या बोल दोगे आप, यहां से बोल दो कौन सा एंगल, ए बी के लिए ये हो जाएगा बी सी ए,
BCA इक्वल टू BAC लिख दे, एंगल BCA, एंगल BCA इक्वल टू एंगल BAC। देखो यहां से BCA ये एंगल और BAC ये इक्वल होंगे, लिख दोगे ब्रैकेट में एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्या लिख दोगे, एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स लिख दे, ठीक है ना, ये आपका हो गया। अब देखो ये आपको क्या दिया हुआ है, देखो आपको BC 30 का दिया हुआ है, तो BCA 30 का आ जाएगा, तो यहां से आप क्या बोल दोगे, एंगल BCA ये आपका 30 का आ गया, BCA आपका 30 का आ गया ना, ठीक है। अब देखो अब तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एंगल ECD, कौन सा एंगल है, ये ECD है बेटा। ECD कैसे आएगा, यदि मैं इस पूरे BCD में से यदि मैं BCA माइनस कर दूं तो मिल जाएगा आपको ECD। ECD कैसे मिलेगा, यदि मैं BCD में से क्या माइनस कर दूं, क्या माइनस करूंगा, BCA माइनस कर दूंगा, BCD पता है, BCA देखो आप ये निकाल चुके हो, निकल के आ जाएगा ECD। तो अपन लिख रहे हैं, अब क्या लिख रहे हैं, नाउ एंगल ECD, ECD जो आपका एंगल ये वाला है वो किसके इक्वल आएगा, BCD माइनस BCA, लिख दे एंगल BCD माइनस एंगल BCA, दोनों आप निकाल चुके हो, तो एंगल ECD इक्वल टू BCD कितना निकाल चुके हो आप, 80 निकाल चुके हो, इसको सेकंड बोल देना, ठीक है, और इसको थर्ड बोल देना, तो ये आप निकाल चुके हो 80, ठीक है, ये आप निकाल चुके हो 30, यहां लिख देंगे हम, ये आपने लिखा है फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो कितना आ गया आपका 50 आ गया। तो यहां से हमारे पास एंगल ECD, ये एंगल ECD अपने पास कितना आ गया, ये आपका 50 का आ गया, ये आपने दोनों एंगल्स निकाल दिए। तो समझना हमने कैसे क्या, बड़े पास समझना हमने कैसे किया है, ये देखो पहले आपके पास यहाँ पर एंगल सेम सेगमेंट में है, कौन से, BDC और BAC, तो आपका BAC 30, तो आपका BDC 30 आ गया, ये तो आपने फर्स्ट पार्ट तो जी निकाल दिया। अब आपने क्या किया, अब बेटा आपने सॉरी आपने BDC निकाला है अभी, अब आपने BDC में अप्लाई किया एंगल सम प्रॉपर्टी, तो आपके पास देखो BDC आपका 30 है, DBC आपको यहाँ पर 70 दिया है, तो आपका BC निकल के आ जाएगा 80 आ गया, ये आपका BCD आपने फर्स्ट पार्ट निकाल दिया। अब आपने यूज किया है AB इक्वल टू AC का, जब AB इक्वल टू BC होगा तो ये BAC और BCA इक्वल हो जाएंगे, तो ये आपका 30 आ गया। अब ECD आप निकाल सकते हो ना, BCD में से BCA माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 50 आ जाएगा, तो ECD कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर, ये आपका है 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखना आप क्या बोल रखा है, अपन फिगर ड्रॉ करेंगे इसके अकॉर्डिंग। देखो क्या बोल रखा है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो अपन क्या करते हैं, एक अपने पास पहले अपन ड्रॉ करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं, ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है। साइक्लिक मतलब क्या है कि उसके चारों जो पॉइंट्स हैं वर्टिसेस हैं वो इसके सर्कमफेरेंस पर लाई करेंगे, तो ये अपन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं, सपोज ये आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर दिया, ये आपका हो गया साइक्लिक, क्योंकि इसके चारों पॉइंट्स कहाँ हैं, इसके सर्कमफेरेंस पर लाई कर रहे हैं, बोल देते हैं ये आपका ए बी सी और डी। अब पढ़ते हैं क्या बोल रखा है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्किल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब जब इनके डायगोनल्स को आप ज्वाइन करेंगे तो वो आपके क्या है, डायमीटर्स होंगे सर्किल के, तो इनको आप डायगोनल्स को ज्वाइन करो आपस में, ठीक है, ज्वाइन कर दो, मतलब दोनों आपके डायमीटर्स हैं बेटा ये, तो मतलब जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपका क्या, इसका सेंटर हो जाएगा सर्किल का, क्योंकि क्या बोल रखा है, जो डायगोनल्स हैं वो डायमीटर्स हैं सर्किल के, तो ये आपका ओ आपका सेंटर हो जाएगा। आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है इट इज अ रेक्टेंगल, मतलब आपको शो करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये आपको शो करना है, ठीक है ना। चलो अपन स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं पहले गिवन, कि अपने पास गिवन क्या है, ठीक है, गिवन लिखते हैं, इसमें आपके पास क्या है, कहते हैं अपन अपने पास क्या दिया हुआ है, डायगोनल्स, ये अपन लिख देंगे डायगोनल्स AC एंड BD, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्या बोल दोगे, आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, आर डायमीटर्स, डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है इसको रेक्टेंगल, लिख दे टू प्रूव, आपको प्रूव करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये आपको प्रूव करना है बेटा, ठीक है ना, ये आपको प्रूव करना है,
ठीक है, अपन देखो सीधे प्रूफ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मेरी बात समझना बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि देखो बेटा हम ये बोल सकते हैं इसमें OA, OB, OC, OD सब इक्वल होंगे क्या? क्योंकि चारों देखो बेटा आपके क्या है, ये एक तरह से इसके रेडियस है, है बेटा। तो हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सिंस ऑल द रेडिया है, क्या बोल दे, सिंस ऑल द रेडिया है, ऑल द रेडिया है ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल, आर इक्वल, तो यहां से आप क्या बोल दोगे, यहां से बोल दोगे देयरफोर क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी हो गया बेटा, ठीक है ना। अब OA और OC देखो, क्योंकि आपका ये AC आपका डायमीटर है, तो इसमें बेटा OA और OC आपस में इक्वल होंगे, तो यहां से आप और क्या बोल सकते हो कि OA जो AC है उनको आप AC का हाफ बोल सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है बेटा। जो OA और OC है उनको आप AC का हाफ बोल सकते हो ना, बोल सकते हैं। ऐसे ही जो OB और OD है उनको आप BD का हाफ बोल सकते हो, क्योंकि दोनों आपके रेडियस है, क्या बोल सकते हो, OB इक्वल टू OD, वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BD हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई डाउट है बेटा, इतना समझ, क्योंकि देखो आपके OA, OB, OC, OD सारे इक्वल हैं, तो ये हाफ ऑफ AC आपका हाफ ऑफ BD के इक्वल हो जाएगा। अपन क्या बोल देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या बोल सकते हो, आप बोल दोगे हाफ ऑफ AC इक्वल टू हाफ ऑफ BD, क्योंकि देखो ये चारों आपस में आपके इक्वल थे, हाफ ऑफ कैंसिल किया, तो यहां से आपका आ गया AC इक्वल टू BD, आपका यहां से क्या है, आपका AC इक्वल टू BD तो आ गया। अब देखो हम ये जानते हैं, देखो इनके डायगोनल्स क्या है बेटा, डायगोनल्स आपने इक्वल प्रूव कर दिए, और साथ में बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं, क्योंकि आपका OD इक्वल टू OB है, OA इक्वल टू OC है, तो एक आपके क्वाड्रिलेटरल में जब डायगोनल्स इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बेटा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, तो यहां से आप क्या बोलोगे, लाइन लिख दोगे, क्या लिखोगे आप, देयरफोर द डायगोनल्स, क्या बोल दोगे आप, देयरफोर the diagonals of the quadrilateral ABCD, diagonals of the quadrilateral ABCD, ठीक है, are equal and bisect each other, तो क्या बोल दोगे आप, मैं ऊपर यहां लिखता हूं, therefore, क्या बोल दोगे, therefore ABCD is a rectangle. A B C D is a rectangle. ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? भाई देखो हमने क्या किया कि इनके देखो diagonals आपने equal prove कर दिए। तो diagonals equal हैं, bisect तो कर ही रहे हैं। तो ऐसा कब होता है? तो इस केस में आपका A B C D क्या हो गया? Rectangle हो गया। ठीक है? सबको समझ में आया क्या? पूछो इसमें कुछ पूछना हो। अब next अपन देख रहे हैं। Question number ये आपका 8th है। Important है इसको समझना। ठीक है? Question number 8। ठीक है, पहले अपन फिगर ड्रॉ करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रखा है, आपसे बोल रखा है इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, तो आपको इसको प्रूव करना है, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक, आपको प्रूव करना है कि आपका साइक्लिक होगा, है ना। ठीक है, तो देखो इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक, तो मतलब वो आपका सर्कल के अंदर होगा। देखो तो अपन एक पर सर्कल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि उसने वहां से बोल दिया साइक्लिक है वो, तो ये आपका सर्कल हो गया। अब क्या बोल दिया, नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, तो अपन पहले इसमें इसके अंदर ट्रेपेजियम ड्रॉ कर दें, क्योंकि आपका वो ट्रेपेजियम की बात तो हो रही है, नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, तो देखो अपन ये ड्रॉ कर देते हैं, देखना ये अपन ड्रॉ करते हैं, ट्रेपेजियम होगा आपका वो, थोड़ा ऊपर से ड्रॉ करते हैं और, ठीक है, तो इसमें आपकी दो साइड्स तो होंगी नॉन पैरेलल, तो अपन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, आपकी दो साइड्स होंगी पैरेलल, तो ये हो गई आपकी दो पैरेलल साइड्स, है ना। तो नॉन पैरेलल साइड्स जो है ना, इसमें आपकी नॉन पैरेलल साइड्स, यदि मैं बोलना चाहूं ये अपन लिख दें, ये ए बी सी डी, तो इसमें नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी है, ए डी और बी सी है, तो वो आपको इक्वल दी हुई है, भाई ये डी सी तो आपका ए बी के पैरेलल होगा ही होगा, आपको नॉन पैरेलल साइड्स क्या है, इक्वल दी है, मतलब ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, जिसमें आपके नॉन पैरेलल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो आपको प्रूव करना है कि ये साइक्लिक होगा। साइक्लिक का मतलब क्या है, यदि इसमें मैं कोई से एक पेयर जो आपका होगा अपोजिट एंगल्स का, उनका समरिटी प्रूव कर दूं, यदि मैं बी और डी का समरिटी प्रूव कर दूं, तो बेटा हो जाएगा ये साइक्लिक, क्योंकि अपन जानते हैं साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या होती है,
the sum of the opposite angles is equal to 180. यदि इसमें मैं बी और डी का सम 180 प्रूव कर दूं तो बेटा ये हो जाएगा साइक्लिक, तो इसमें आपको यही प्रूव करना है, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं गिवन, कि आपके पास यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है, तो आप लिख दोगे कि आपको यहाँ पर सिंपल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच आपका यहाँ पर जो साइड्स पैरेलल है वो तो कौन सी है, कि ए बी पैरेलल टू डी सी एंड नॉन पैरेलल साइड्स आपके इक्वल है, तो एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ये आपका गिवन हो गया, ठीक है। टू प्रूफ हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है इसको साइक्लिक, तो आपको प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम, ये आपको प्रूव करना है साइक्लिक ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम तो होगा बट उसको आपको साइक्लिक शो करना है, ये टू प्रूव हो गया। इसमें करेंगे हमें कंस्ट्रक्शन, क्या करेंगे समझना, इसमें करेंगे हमें कंस्ट्रक्शन, जो आपके डी और सी जो वर्टेक्स है इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस ए बी पर, तो आप दो ड्रॉ करोगे, एक तो ड्रॉ करोगे डी से, तो एक हमने ये ड्रॉ कर दिया डी से इस ए बी पर, एक ड्रॉ करोगे सी से वही सेम ए बी पर, ये आपने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना, ये ड्रॉ कर दिए, ये आपने फर्स्ट ड्रॉ किया है इसको हमने ई बोल दिया, ये आपने सेकेंड ड्रॉ किया है इसको हमने एफ बोल दिया, तो ये अपने लिख देते हैं, हमने यहाँ पर क्या किया है, ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड दूसरा हमारे पास क्या है सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, ये आपने कर दिया कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब अपन इसका स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले देखो भाई आपको यहाँ पर ये इसको साइक्लिक शो करना है, मतलब इसका मतलब क्या, यदि मैं यहाँ पर ये शो कर दूं कि बी और डी का सम 180 हो जाए तो ये साइक्लिक शो हो जाएगा बेटा, है ना। तो देखो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, एक तो ये डी ई ए, दूसरा आपका ये सी एफ डी, इन ट्रायंगल डी ई ए, इन ट्रायंगल डी ई ए एंड ट्रायंगल सी एफ बी, तो बताओ किस कॉन्ग्रेंस रूल से ये आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, क्या है, एक 90 हो जाएगा एंगल डी ए सी एफ बी 90 की आपने ड्रॉ किए परपेंडिकुलर, ए डी बी सी आपको इक्वल दे नॉन पैरेलल साइड्स, और इसमें एक क्या होगा डी इक्वल टू सी एफ, क्योंकि आपने आपके पास दो पैरेलल साइड्स हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा, क्योंकि अपने पास देखो दो पैरेलल साइड्स हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, होगा तो डी इक्वल टू सी एफ होगा, तो आर एच एस से हो जाएगा ये, तो अपन लिख रहे हैं देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, पहले सबसे पहला एंगल डी ई ए, डी ई ए इक्वल टू सी एफ बी, दोनों आपके 90, कैसे होगा ये हो जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन, आपने कंस्ट्रक्ट किया है बेटा ये 90 हो गया, दूसरा क्या लिखोगे डी ए इक्वल टू सी बी, ये आपको गिवन दे रखा है डी ए इक्वल टू सी बी, ये आपको गिवन दिया हुआ है, तीसरा आप क्या लिखोगे डी ई इक्वल टू सी एफ, क्या लिखोगे डी ई इक्वल टू सी एफ, एक नेक्स्ट में लाइन लिख दोगे, लाइन क्या लिखोगे इसमें आप ये बोल दोगे डिस्टेंस बिटवीन, एक लाइन लिखनी है आपको, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल, ये आपको लिख देना है इज ऑलवेज इक्वल, तो हो गया, तो क्या बोल दोगे आप बोल दोगे therefore by RHS congruence, तो RHS congruence हमारे पास क्या आ जाएगा, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल DEA, ये आपका congruent हो जाएगा किसके, ये आपका हो जाएगा CFB के congruent, ट्रायंगल DEA आपका हो गया CFB congruent, तो यहां से अपने पास by CPCT क्या आएगा, यहां से अपने पास by CPCT कौन सा एंगल आ जाएगा, ठीक है, एक तो आपका ये A equal to B आ जाएगा, एक तो आपका ये A इक्वल टू बी, देखो यार है A इक्वल टू बी, तो एक तो आपका आ गया एंगल A इक्वल टू एंगल B, एक और मिलेगा आपको ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मिलेंगे, तो क्या बोलते हैं कौन सा एंगल, एंगल ए डी ई, ये मिलेगा आपको एंगल ए डी ई, ये मिल जाएगा आपको एंगल बी सी एफ के इक्वल, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया, तो यहां से आपको क्या मिला बाई सीपीसीटी, एक तो मिल गया आपको ये A इक्वल टू बी, ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया कि ए डी ई आपको बी सी एफ के इक्वल मिल गया, ठीक है, तो इतना समझ में आया कि नहीं आया, जो अपना ये फर्स्ट आया था ना ए डी और बी सी एफ, ए डी ई और बी सी एफ जो आपका आया था,
ध्यान से मेरी बात समझना, ये एडी आपका बीसीएफ के इक्वल तो आ गया, ओके बेटा, ये तो अपना मिला कि एडी आपका बीसीएफ के इक्वल आ गया। तो यहां से मेरी बात समझना, मैं इसमें 90 ऐड कर रहा हूं, मैं इसमें इस इक्वेशन में मैं 90 ऐड कर रहा हूं बोथ द साइड। तो यहां पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट। तो वैसे फायदा क्या होगा, एक बार मेरी बात समझना, एडी आपको बीसीएफ के इक्वल तो आ गया था, फ्रॉम फर्स्ट अपने पास एडीई आपका बीसीएफ के इक्वल आया। मैं इसमें क्या कर रहा हूं, एड 90 डिग्री टू बोथ द साइड्स, टू बोथ द साइड्स। तो अपन 90 दोनों में ऐड कर रहे हैं, तो वैसे फायदा क्या होगा, ये ए डी ई प्लस 90 डिग्री, और यहां से हमारे पास एंगल बी सी एफ प्लस 90। देखो एडीई और 90 कितना मिलके आएगा, ये ए डी ई, और देखो बेटा ये आपका 90 होगा, क्योंकि देखो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, तो 90 ये होगा। तो ए डी ई प्लस 90 पूरा आपको मिल गया, ये एडीसी, क्योंकि एडीई आपका इतना पार्ट, 90 ये, तो पूरा आपको मिल गया एडीसी या एंगल डी। तो लिख दे यहां से अपने पास क्या आ गया, एंगल एडीसी आ गया। यहां से देखो सेम क्या आ जाएगा, BCF आपका ये एंगल 90 ये, तो ये पूरा मिल जाएगा आपको एंगल सी या बीसीडी। तो लिख दे यहां से क्या मिलेगा हमें, एंगल बीसीडी, मतलब क्या बोल सकते हो कि आपको यहां से एंगल डी आपको एंगल सी के इक्वल मिल गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दिया। हमने क्या किया, जो एडी और बीसीएफ था बेटा, इसमें हमें 90 ऐड कर दिया, तो यहां से आपको डी मिल गया, सी मिल गया, आपको डी इक्वल टू सी मिल गया। तो एक तो मिल गया आपको ए इक्वल टू बी, एक मिल गया आपको डी इक्वल टू सी। अब तो सिंपली प्रूव हो जाएगा, हम ये जानते हैं क्योंकि ये आपका एक नॉर्मल आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें चारों एंगल का सम कितना 360 होता है ना एबीसीडी का, तो अपन लिख दें, ठीक है। बट हम क्या लिख रहे हैं, बट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये आपका क्या होगा 360 हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ए आपका बी के इक्वल है, तो इसको हम एंगल बी और एंगल बी बोल दें। सी आपका डी के इक्वल है, तो इसको सी को डी बोल दो, और ये डी बोल दिया 360 डिग्री। ये लिख दिया हमने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो यहां से हो गया प्रूव, ये ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल डी 360 के इक्वल, टू कॉमन निकाल दो आप, तो यहां से ये बी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री, ये कैंसिल हुआ, ये आपका 180 हो गया। तो यहां से मिल गया आपको बी और डी का सम 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी आपका 180 हो गया। तो यहां से आप क्या बोल दोगे, हैंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम, क्या बोल दोगे, हैंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम, ये आपका हो गया साइक्लिक ट्रेपेजियम। तो समझना हमने कैसे किया बेटा, सबसे पहले आपने दो टर्म कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, यहां से बाई सीपीसीटी आपका क्या आ गया, एक तो ए इक्वल टू बी आया, दूसरा एडी ये वाला एंगल आपको मिल गया इसके इक्वल। अब आपने इन दोनों में 90 ऐड कर दिया, तो वहां से आपको डी और सी इक्वल मिल गए। अब ए भी और बी और सी भी और डी का सम कितना 360 हो जाएगा, इक्वल किया तो आपको बी और डी कितना 180 मिल गया, ये प्रूव हो गया, ठीक है। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो इसका फिगर भी ड्रॉ किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 जरा ये देखना, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं तो आपको और अच्छे से विजिबल हो जाएगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। देखो तो अपने पास क्वेश्चन में देखो ये फिगर ड्रॉ कर रखा है, देखना क्या बोल रखा है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी, दो सर्कल हैं जो आपके बी और सी पर हो रहे हैं इंटरसेक्ट, ठीक है। थ्रो बी, बी से हमने क्या किया, टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन, आपने इस बी से दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए, देखो आपका तो ड्रॉ हो रहा है ए बी डी, दूसरा ड्रॉ हो रहा है पी बी क्यू, आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स, कहां पर हो रहे हैं इंटरसेक्ट, ए डी पी और क्यू पर हो रहे हैं इंटरसेक्ट। आपने इस बी से दो लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ किए, एक तो ए बी डी दूसरा पी बी क्यू, जो ए डी पी और क्यू पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। आपको प्रूव करना है ए सी पी कौन सा एंगल, ये ए सी पी ये वाला जहां पर 1 लिखा हुआ है, ए सी पी आपको क्यू सी डी के इक्वल प्रूव करना है जहां पर 2 लिखा हुआ है, ए सी पी आपको क्यू सी डी के इक्वल प्रूव करना है, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। देखो करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली यहां लिख दो पहले बस टू फाइंड की, सॉरी टू प्रूव, कि आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव आपको इसमें प्रूव करना है एंगल ए सी पी, ये आपको प्रूव करना है क्यू सी डी के इक्वल। अपन डायरेक्टली प्रूफ से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, लिखेंगे वी नो दैट, कि लिख दोगे आप वी नो दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, वी नो दैट
एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल ऑफ अ सर्कल आर इक्वल एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देयरफोर। अब यहां पर देखना ऐसे कौन से एंगल्स होंगे जो आपस में सेम सेगमेंट में होंगे। एक ये देखो ACP, ये वाला एंगल, ये ACP, ये ACP आपका ABP के इक्वल होगा। ABP ये जो जहां पर 3 लिखा है, 1 और 3 आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे, क्योंकि यदि आपने ये AP आपने कॉर्ड माना तो ये आपका एक सेगमेंट और ये आपका दूसरा सेगमेंट मेजर सेगमेंट, तो इसमें आपके दो एंगल मिल रहे हैं क्या, ACP और ABP होंगे बेटा आपस में इक्वल। तो बोलते हैं अपन कि अपने पास एक तो क्या मिल जाएगा, एंगल ACP मिल जाएगा आपको ABP के इक्वल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसे ही इसमें आओ जहां पर 2 और 4 लिखा है, ये होंगे क्या इक्वल, कौन सा QCD, ये QBD के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो ये अगेन आपका ये DQ कॉल्ड है तो ये सेम सेगमेंट हो गया। तो यहां से क्या बोलते हैं, कौन सा एंगल, एंगल QCD ये आपका हो जाएगा QBD के इक्वल। इक्वेशन नंबर सेकंड, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब यहां पर देखना कि 3 और 4 आपस में होंगे इक्वल, क्योंकि ये आपके वर्टिकल अपोजिट है। देखो 3 और 4 आपस में इक्वल होंगे ना होंगे, क्योंकि ये आपके वर्टिकल अपोजिट है। क्या लिख रहा हूं, ऑल्सो कौन सा एंगल है, ये आपका एंगल जो ABP है ये आपका होगा QBD के इक्वल। क्यों होगा, लिख दोगे ब्रैकेट में कि वर्टिकली, ब्रैकेट में लिख दोगे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जब इनके RHS पार्ट इक्वल, तो इनके LHS पार्ट इक्वल हो जाएंगे, हो गया प्रूव। तो आप क्या बोल दोगे, देयरफोर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल ACP ये आपका आ गया एंगल QCD के इक्वल, ये आपने प्रूव कर दिया। तो एक बार दोबारा समझ लो हमने कैसे किया। हम ये जानते हैं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो यहां से जो आपका 1 और 3 है, मतलब ACP और ABP ये आपस में इक्वल हो गए, ऐसे यहां से QCD और QBD आपस में इक्वल हो गए, बट ABP जो ये ABP थर्ड वाला है और QBD ये आपके वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी आपस में इक्वल हो गए 1 और 2 वाले, तो ये प्रूव कर दिया। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ये देखना आप, ये भी सिंपल है, देखो इसको पढ़ना क्या बोल रखा है। देखो इसमें आपसे बोल रखा है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर्स, मतलब आपके पास एक ट्रायंगल है, सपोज ये आपका ट्रायंगल है ना, पहले इसको समझना कैसे ड्रॉ किया है, ये आपका ट्रायंगल है, इसमें कोई सी दो साइड को डायमीटर मानते हुए आपने सर्किल ड्रॉ कर दिए, तो ये आपने कैसे ड्रॉ किया है, आपने AB को डायमीटर मानते हुए एक आपने सर्किल ड्रॉ किया जो आपका C1 सर्किल आ गया, AB इसमें डायमीटर हो गया, दूसरे में आपने AC को डायमीटर मानते हुए सर्किल ड्रॉ किया जो आपका C2 आ गया। देखो इसमें ये AB डायमीटर है, इसमें AC डायमीटर है, तो ये आपका हो गया थर्ड साइड BC। तो क्या बोल रखा है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स, तो वो कौन सा होगा, एक तो आपका ये D होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों सर्किल का, वो कहां पर लाई कर रहा है, लाई ऑन थर्ड साइड, तो आपको ये शो करना है कि D lies on BC, आपको क्या शो करना है कि जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इसके थर्ड सेट पर लाई कर रहा है, means we have to prove that D lies on BC, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो इसको स्टार्ट करते हैं अपन, यहां लिखते हैं अपन गिवन, कि आपको गिवन इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन आपको दिया हुआ है टू सर्कल्स आर ड्रॉन, ये लिख दोगे आप, टू सर्कल्स आर ड्रॉन विथ साइड्स ए बी एंड ए सी, ये आपने दो साइड्स मान रखे हैं, विथ साइड्स ए बी एंड ए सी, विथ साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एज डायमीटर्स, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एज डायमीटर्स, आपने उनको डायमीटर मान रखा है, डायमीटर्स, ठीक है, ये हो गया। टू प्रूफ, आपको प्रूव करना है डी लाइज ऑन साइड बी सी, आपको यही प्रूव करना है कि जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो थर्ड पर लाई कर रहा है, तो क्या लिखोगे, आपको क्या प्रूव करना है, डी लाइज ऑन BC, आपको ये प्रूव करना है। आपने इसमें किया क्या है, आपने इसमें A को ज्वाइन किया है D से, तो ये आपका आ जाएगा कंस्ट्रक्शन में, आपने किया है ज्वाइन AD, ठीक है, तो लिख दोगे आप इसमें ये क्या लिखोगे, आप लिख दोगे ज्वाइन AD, ठीक है। देखो अब इसका अपन प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, ध्यान से मेरी बात समझना। देखो हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, सेमी सर्कल में कोई आपका एंगल है वो आपका 90 का होता है, तो मेरी बात समझना भाई, ये आपका एक सेमी सर्कल है, तो इसमें जो आपका एंगल ए डी बी होगा वो 90 का होगा, बिकॉज दिस इज एन एंगल इन सेमी सर्कल। यहां हम लिख रहे हैं वी नो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल, वी नो दैट
एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल, वो आपका 90 का होता है। देयरफोर यहां से अपने पास क्या आएगा, कौन सा एंगल, जो एंगल ADB है वो आपका 90 का आ जाएगा। ऐसे ही इसमें आपका AD से 90 का आ जाएगा, फर्स्ट बोल दें, ऐसे ही जो आपका एंगल ADC है वो भी 90 का आ जाएगा। दोनों को मैं ऐड कर दूं, क्या कर रहे हैं अपन डायग्राम को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो ऐड करने से क्या आएगा, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऐड करो, तो यहां से आपका ये ADB प्लस यहां से आपका ये ADC इक्वल टू 90 प्लस 90, तो ADB और ADC आपका 90 आ गया। तो यहां से आप क्या बोलोगे, मतलब क्या मिल गया आपको, यहां से मिला ADB प्लस ADC 180 आ गया। जब आपके पास एक अपने पास लाइन है जिसमें अपने पास दो एंगल का 180 आ रहा है, तो बेटा आपकी लाइन क्या होगी, एक होगी स्ट्रेट लाइन। तो इससे आप क्या बोल सकते हो कि आपका BDC क्या हो गया, आप क्या बोल दोगे, सो BDC इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 180 आ रहा है ना बेटा, इज अ स्ट्रेट लाइन। जब एक लाइन है तो इसका मतलब क्या है कि डी आपका BC पर लाई कर रहा होगा, तो क्या बोल दोगे आप, हेंस डी लाइज ऑन BC, हेंस डी लाइज ऑन BC। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, भाई बहुत सिंपल था, आपने ये अप्लाई किया है कि एंगल सेमी सर्कल इज राइट एंगल, सो AD भी 90 का हो गया, ADC 90 का हुआ, दोनों को ऐड किया सम 180 आ गया। अब जब एक लाइन पर आपको दो एंगल्स मिल रहे हैं ADB और ADC, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपकी हो गई स्ट्रेट लाइन, BDC इज अ स्ट्रेट लाइन, सो D लाइज ऑन BC। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन, यस। लास्ट देख लो, 11 तो आप करोगे होमवर्क, बहुत इजी है, मैं क्वेश्चन नंबर 12 करा रहा हूं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या शो करना है, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेलोग्राम इज अ रेक्टेंगल, मतलब साइक्लिक मतलब क्या होगा, एक आप यहां पर सर्किल लोगे, ये आपका सर्कल हो गया, साइक्लिक पैरेलोग्राम है, ठीक है, वो आपको रेक्टेंगल शो करना है। अपन जल्दी से एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उसको आपको रेक्टेंगल शो करना है ना, तो ये आपने कुछ बना लिया, ठीक है, आपको उसको रेक्टेंगल शो करना है, ये हमने ड्रॉ कर दिया, वो आपका पहले से आपको साइक्लिक पैरेलोग्राम दिया है, उसको आपको रेक्टेंगल शो करना है। तो ये आपका ए बी सी डी, पैरेलोग्राम मतलब क्या होगा, इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे, आपको उसको रेक्टेंगल शो करना है। मतलब यदि मैं इसमें एंगल्स 90 शो कर दूं, भाई पैरेलोग्राम रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या होता है, बस इसमें आपका एंगल 90 का नहीं होता ना, यदि मैं इसमें एंगल कोई सा एक एंगल 90 का शो कर दूं, तो आपका बन जाएगा रेक्टेंगल, यही तो होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर लिख रहे हैं आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल शो करना है। आपको गिवन तो यही दिया हुआ है, लिख दो यहां पर गिवन क्या दिया हुआ है, आपको गिवन दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ पैरेलोग्राम, साइक्लिक पैरेलोग्राम, ये आपको दिया हुआ है, साइक्लिक पैरेलोग्राम, ठीक है ना, ये आपको दिया है बेटा। अपन स्टार्ट कर रहे हैं, देखो इसका प्रूफ बहुत सिंपल सा प्रूफ है, समझना कैसे होगा, ठीक है, अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ देख लो, सबसे पहले देखो बेटा, क्योंकि आपका ये साइक्लिक है भाई, पैरेलोग्राम मतलब आपका क्वाड्रिलेटरल तो है ही, क्या लिख रहा हूं, सिंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि बेटा आपको क्वाड्रिलेटरल तो होगा, क्योंकि पैरेलोग्राम में तो आपको होगा ही, फोर साइड्स तो है, साइकिल में क्या होता है कि इनके जो एंगल्स आपके होते हैं अपोजिट के, उनका सम 180 होता है। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि ए और सी का सम कितना 180 होगा, तो क्या बोल दूं मैं, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी कितना 180 हो जाएगा। बट क्योंकि ये आपका पैरेलोग्राम भी है, तो इनके एंगल्स जो होते हैं अपोजिट के, वो आपस में इक्वल होते हैं क्या, मैं लिख दूं कि अपना एंगल ए सी को एंगल ए बोल दें, क्योंकि आपका ये पैरेलोग्राम है, लिख दो क्या कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेलोग्राम वो आपके इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेलोग्राम आर इक्वल। तो यहां से आपका क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ए 180 के इक्वल आया, ठीक है, ए और सी आपस में इक्वल थे, तो आपके ए और सी कितने कितने क्या 90 के आ गए। तो आपने एक पैरेलोग्राम में एक एंगल आपने 90 का शो कर दिया बेटा, शो कर दिया ना, तो आप क्या बोल दोगे, देयरफॉर ये शो हो गया कि देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि आपने पैरेलोग्राम में एक एंगल 90 का शो कर दिया, तो वो क्या बन गया आपका, रेक्टेंगल बन गया। एक बार समझो हमने क्या किया है, पहले ये आपने प्रॉपर्टी यूज किया साइक्लिक की, कि जो आपके अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है, मतलब ए और सी का सम 180 हो गया, बट क्योंकि ये पैरेलोग्राम तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो सी को आपने ए बोल दिया, ट्वाइस ऑफ ए 180, ए और सी 90 आ गए, तो आपका रेक्टेंगल हो गया।
तो बेटा ये आपका चैप्टर पूरा ओवर हो गया है, ठीक है।